बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज जो आपके नीचे लीडर बन के आपने हायर तो कर लिया और उसको लगता है कि जिसने मुझे हायर किया वो भयंकर लीडर होगा, फिर कुछ दिनों में हंसते सामने आती है, उसको लगता है यार ये तो इनको तो हम ऐसी मैडम घुमा लेंगे हम तो ऐसे। तो हाउ डू वी हैंडल अ वेरी इफेक्टिव वेरी पावरफुल लीडर अंडर अस? हैंडलिंग फॉलोअर्स इज ओके, बट हाउ डू हैंडल अ लीडर अंडर यू? ठीक है, लेट्स से यू आर अ कैप्टन ऑफ अ फुटबॉल टीम। एज अ कैप्टन आपको क्या करना पड़ेगा? क्या करता है कैप्टन? एक स्ट्रैटेजी बनाएगा, ठीक है, वो स्ट्रैटेजी बनाएगा। तो वो स्ट्रैटेजी किसके लिए है? टीम के लिए। टीम ने क्या करना है? फॉलो करना है। अब उसमें एक आइटम भयंकर आइटम है जो खुद को लीडर बोलता है, तो वो क्या करेगा? वो अपनी स्ट्रैटेजी लाएगा। उसको लगता है कि शायद उसकी स्ट्रैटेजी आपकी स्ट्रैटेजी से अच्छी है, पॉसिबिलिटी है कि नहीं। अच्छा, क्या उसका हक है स्ट्रैटेजी लाने का? है पक्का। तो आपकी परख होनी चाहिए एज अ लीडर कि यार ये इंसान थोड़ा स्मार्ट है अमंगस्ट ऑल ऑफ देम and he has some contribution to do or to give to the team. So you give him an ear, you lend him your ear and you say, हाँ बता तेरा क्या idea है। Ultimately कैप्टन तो पेपर में आप ही कैप्टन हो ना, तो किसी की स्ट्रैटेजी हो उसकी हो किसी की हो क्या फर्क पड़ता है, जीतना तो आपकी टीम को है और जीतेगी टीम तो आप ही का नाम आएगा ना। तो प्रॉब्लम क्या है? हम अक्सर उसको दबा देते गप्पा बस, लीडर कौन। तो उसमें क्या होता है, या तो जब हम उसको नहीं सुनते उसकी बात तो या तो वो बगावत कर देता है, तो दो चार टीम मेंबर लेके किसी और टीम में ज्वाइन कर लेगा, या वो खुद अकेला छोड़ के चले जाएगा अगर आपकी पकड़ बाकी लोगों पे स्ट्रांग है तो, या फिर वो अपना दिमाग वापरना बंद कर देगा फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ अंडर यू। सब में नुकसान हमारा ही, छोड़ के क्या तब भी नुकसान है, टीम लेके क्या तब भी नुकसान है, और लीडर होने के बावजूद भी ढह बन के रहा तब भी नुकसान है ना अपना। सो द बेस्ट वे टू हैंडल लीडर अंडर अस इज दैट वी लिसन टू दैट लीडर, राइट, एंड मेक हिम कम अप एज अ लीडर एंड हमें रिप्लेस कर दे, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? बिकॉज द मोमेंट ही रिप्लेसेस अस वी गो टू द नेक्स्ट ऑर्बिट, वी डोंट गो एंड बिकम हिज फॉलोअर। बहुत से लोगों को डर है कि हमसे कोई अच्छा इंसान हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ना आ जाए, क्योंकि अगर हमसे अच्छा कोई इंसान आ जाएगा हम रिप्लेस हो जाएंगे। आपको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, यू विल मूव टू द नेक्स्ट ऑर्बिट। और ये प्रेशर आना अच्छा है ना कि यार हमारी जगह को आएगा तो हमें कुछ नया तो करना पड़ेगा। सो यू विल हैव टू फाइंड न्यू एरियाज ऑफ लीडरशिप एंड गिव दैट एरिया ऑफ लीडरशिप टू द पर्सन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम।